बिल्कुल। और बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर आरजेडी का पहला बयान सामने आ गया है। 50 घंटे के बाद आरजेडी ने माना बिहार में संशय की स्थिति है। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने बड़ा बयान दिया, बिहार में संशय की स्थिति साफ करें नीतीश। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, नीतीश कुमार साफ करें। आरजेडी ने नीतीश को अल्टीमेटम दिया है, शाम तक स्थिति साफ करें नीतीश कुमार। आरजेडी खेमे में बैठकों का दौर भी शुरू, और कल आरजेडी के विधायकों को 1 बजे पटना बुलाया भी गया है, बैठक होनी है। और मनोज झा भी एक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप संशय की स्थिति को साफ करें। और दूसरी तरफ आप देखिए, आरजेडी खेमे में बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, आरजेडी में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, एक तरीके का अल्टीमेटम दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि आप संशय की स्थिति साफ करें। अभी वर्तमान में मौजूदा खबरें वहां से यही हैं, ये जो दूसरा खेमा है उधर भी कुछ सरकार बनाने को लेकर पैतरेबाजी या कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए क्रोनोलॉजी में आपको बताती हूँ आरजेडी में कब क्या हुआ, इससे कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि 2:30 बजे तक आरजेडी के तमाम विधायक जो पटना पहुंचे थे उनको आईटी में जाने का ये कंफर्म था। 3:15 बजे एक एक विधायकों को कॉल जाता है कि तेजस्वी यादव वहाँ नहीं पहुंचे हैं, और ये 3:15 का समय है। देखिए ये वही समय है जब राज्यपाल के लिए आईटी का जो निर्धारित किया गया था, 3:15 बजे विधायकों को कॉल जाता है, और फिर एक एक करके चूंकि महागठबंधन के नेता उनके तेजस्वी यादव जो मुखिया आरजेडी उनको आरजेडी के मुखिया है, और इस वजह से तमाम जो विधायक वो वहाँ नहीं जाते। उसके बाद 4 बजे, और इस बीच में मनोज झा का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि संशय की स्थिति उस पर क्लियर करें नीतीश कुमार। 4 बजे ठीक एक एक करके सभी विधायकों को कॉल आता है कि कल आपको 1 बजे राबड़ी आवास पर पहुंचना है, और उसके बाद आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। आरजेडी एक बात तो तय है अखिलेश, कि इस बार आरजेडी ये समझ रही है कि इसमें हमारी कहीं से भी कोई गलती नहीं है, और ये जो एग्जिट का रास्ता अपना रहे नीतीश कुमार, तो ये नीतीश कुमार का खुद का स्टैंड जिस पर आरजेडी चुप नहीं रहने वाली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।